देश को आज नया संसद भवन मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। पीएम मोदी ने संसद भवन में खड़े होकर कहा कि अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, तो वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी लगा हुआ है। लेकिन नए संसद भवन की एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। इस तस्वीर की जबरदस्त चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में अखंड भारत का एक नक्शा भी लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर अखंड भारत के इस नक्शे की जबरदस्त चर्चा है। अखंड भारत के इस नक्शे को देख कई देश अब परेशान जरूर होंगे। पाकिस्तान में तो भारत की नई संसद में लगे इस अखंड भारत के नक्शे की चर्चा होनी तय है। अखंड भारत की ये तस्वीर शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की दो पंक्तियां लिख दी। इस कविता में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी का पर्व मनाएंगे। वैसे आपको बता दें कि अखंड भारत के मानचित्र के अलावा एक और तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये तस्वीर है वीर सावरकर की। आपको बता दें कि वीर सावरकर की 140वीं जयंती के दिन ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ये दोनों तस्वीरें आज विपक्षी पार्टियों और पीएम मोदी का विरोध करने वालों को चैन से बैठने नहीं देंगी। चलिए जाते जाते आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज में उस कविता की ये दो पंक्तियां सुनवा देते हैं। तुम दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।